हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस सीएलटी में, उन सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। एंड दोस्तों, इन सभी एग्जाम्स के यदि आप सिलेबस के अनुसार प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अनुसार पड़े हुए हैं, उन सब वीडियोज को आप वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, ये सीरीज नंबर 31 है। इससे पहले 30 वीडियोज एमसीक्यूज के आ चुके हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित नशीला पदार्थ है जिसकी संरचना एड्रिनेलिन के समान है? इसका सही आंसर है एम्फिटामिन्स। एम्फिटामिन्स एक संश्लेषित नशीला पदार्थ है जिसकी संरचना एड्रिनेलिन के समान है। एम्फिटामिन्स एक शक्तिशाली केंद्रीय तंत्रिका सीएनएस उत्तेजक है। इसकी खोज 1887 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एनाबोलिक स्टेरॉयड का एक उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्टेनोजोल। स्टेनोजोलोन एंड इसके अंतर्गत और भी आते हैं, स्टेनोजोल, नेड्रोलोन, मेटेनोलोन, एक्जाडोनोल, टेट्रा हाइड्रोजन स्टाइनोन, स्टेनेजोल, डोस्ट्रानोलोन आदि। ये औषधियां खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिता के दौरान व बाद दोनों में ऑल टाइम बैंड है। दोस्तों, एनाबोलिक स्टेरॉयड जो है हमारे मांसपेशियों में शक्ति ऊर्जा भर देता है, सहनशीलता बढ़ाता है। एंड दोस्तों, एनाबोलिक स्टेरॉयड को शॉर्ट में AAS बोला जाता है, यानी एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉयड। एंड्रोजेनिक का अर्थ होता है पौरुष तत्व और एनाबोलिक स्टेरॉयड का अर्थ होता है टिश्यू बिल्डिंग, यानी पौरुष तत्व टिश्यू बिल्डिंग इसका अर्थ होता है। यह पुरुष के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के समान कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाबोलिक स्टेरॉयड एक प्रतिबंधित दवा कुछ खिलाड़ियों द्वारा किसको विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सकारात्मक रवैया, एकाग्रता की क्षमता, लीन बॉडी मास की स्पीड। इसका सही जवाब है लीन बॉडी मास। लीन बॉडी मास विकसित करने के लिए कुछ खिलाड़ियों द्वारा एनाबोलिक स्टेरॉयड का उपयोग किया जाता है, जो कि एक प्रतिबंधित दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की वृद्धि और शक्ति को बढ़ावा देने की अपनी क्षमता के कारण आमतौर पर एथलीटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला दवाओं का वर्ग क्या है? तो मांसपेशियों की वृद्धि और शक्ति को बढ़ावा करने के लिए कौन सा है? एनाबोलिक स्टेरॉयड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दोस्तों, इसको एथलीटों को बेहतर खेल प्रदर्शन हेतु इसका प्रयोग करते हैं, मांसपेशियों की वृद्धि और शक्ति को बढ़ाकर एथलीट लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा या रसायन मानव शरीर में आरामदायकता का एक अनुभव जगाती है? बीटा टू एगोनिस्ट, डिरोटिक्स, कैनाबिनॉइड, ग्लूकोकार्टिकोइड्स। तो इसका सही ऑप्शन है कैनाबिनॉइड्स, ऑप्शन नंबर सी। यह हशीश या मराजुआना आदि की तरह कैनाबिनॉइड्स भी शिथिलता या आरामदायकता की अनुभूति प्रदान करती है। ये सभी दवाएं प्रतियोगिता में वर्जित या प्रतिबंधित हैं। जैसे गाजा भांग पीने के बाद इंसान को आराम मिलता है, कुछ समय के लिए वो भूल जाता है सब कुछ, इसी तरह कैनाबिनॉइड्स भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा IOC द्वारा निम्नलिखित में से किस ड्रग पर प्रतिबंध नहीं है? किस पे नहीं है? कोकीन, मैराजुआना, एफिड्रीन, शराब। तो यहाँ पे शराब पे प्रतिबंध नहीं है। तो IOC द्वारा एल्कोहल पर प्रतिबंध नहीं है, जबकि कोकीन, मैराजुआना तथा एफिड्रीन IOC द्वारा प्रतिबंधित है। 1 जनवरी 2018 को वाडा ने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने द्वारा जारी प्रतिबंधित सूची प्रोहिबिट
लिस्ट में शराब का नाम नहीं है, जबकि कोकीन, मैरिजुआना, एफिडिन, गैस्ट्रिनोन, टेस्टोस्टेरोन, साइक्लोफ्लेनिन आदि का नाम सूचीबद्ध है। तो शराब को दोस्तों अब IOC द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लोकप्रिय उत्तेजक औषधि जो चाय, कॉफी, शीतल पेय, आहार की गोलियों आदि पाया जाता है, तो यह कौन सा होता है? जो कि आपको सबको पता होगा, यह होता है कैफीन। कैफीन विश्व की सबसे लोकप्रिय उत्तेजक है जो चाय, कॉफी, शीतल पेय, आहार गोलियों आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट है, खेलकूद में एर्गोजेनिक सहायता प्रदान करता है, तो एर्गोजेनिक क्या सहायता करता है दोस्तों? डोपिंग की वीडियो में सभी कुछ बता चुकी हूँ, उन सब वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं डोपिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए। तो खेलकूद में एर्गोजेनिक सहायता क्या करता है? यह हमेशा प्रदर्शन को बढ़ाने, शक्ति सहनशीलता को बढ़ाने में काम करता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि शक्ति एवं सहनशीलता बढ़ाने में, एकाग्रता बढ़ाने में, दर्द बढ़ाने में, थकान को पहले लाने में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक और दो दोनों सही है, एक और दो सही है, यानी कि शक्ति एवं सहनशीलता बढ़ाने में मदद करता है एंड एकाग्रता बढ़ाने में। तो यह शक्ति सहनशीलता को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। दोस्तों एर्गोजेनिक एड्स वे पदार्थ, भोजन या प्रशिक्षण के तरीके होते हैं जो ऊर्जा के उत्पादन, प्रयोग या पुनः शक्ति प्राप्ति को बढ़ाते हैं और खिलाड़ी को स्पर्धात्मक लाभ पहुंचा प्रदान करते हैं। इन एड्स में प्रदर्शन को बढ़ाने वाली कुछ नशीली दवाएं, क्रियात्मक एड्स, यांत्रिक एड्स, पोषण संबंधी एड्स, औषधि संबंधी एड्स, मनोवैज्ञानिक एड्स शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्द और एकाग्रता। दर्द और व्यग्रता में उपयोग होने वाला ड्रग है, जैसा कि दोस्तों दर्द निवारक नार्कोटिक्स होता है, तो यहाँ पे नार्कोटिक्स न दे करके जो जिस पौधे से उसको तैयार किया जाता है उसका नाम दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी ओपियम आपका करेक्ट आंसर होगा। दर्द और व्यग्रता के उपयोग में उपयोग होने वाला ड्रग कौन सा है? ओपियम, यानी इससे नार्कोटिक्स तैयार किया जाता है, नशीली दवाएं। अफीम या ओपियम दर्द और व्यग्रता में उपयोग करने वाला ड्रग है। यह पापी नामक पौधे के अधपके फल से उत्पन्न लैक्टेक्स को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है जिसके सेवन से मदद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियाट्रिक सर्जरी जीवन शैली से संबंधित। बेरियाट्रिक सर्जरी जो होता है वो जीवन शैली से जुड़ी किस आम बीमारी को ठीक करने के लिए जरूरी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, मोटापा। मोटापा को कम करने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन सांस्कृतिक या दोष निवारक आसन की श्रेणी में आता है? तो इसका सही जवाब है चक्रासन। दोस्तों संवर्धनात्मक या सांस्कृतिक आसनों में शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, चक्रासन, मयूरासन व सिंहासन आदि मुख्य हैं। इन आसनों का अभ्यास शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। इस शरीर की सभी क्रियाओं को व्यवस्थित करके प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा आदि को सामर्थ्य प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि शोधक अवरोधक क्या है जो दर्दनाशक और रेडियोथेरेपी दवाओं के बावजूद बने रहने वाली मेटास्टेटिक हड्डी के दर्द को राहत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, बिसफॉस्फोनेट, जो दर्दनाशक और अस्थि शोधक अवरोधक का कार्य करता है। इसके रेडियोथेरेपी दवाओं के बावजूद बने रहने वाले मेटास्टेटिक हड्डी को दर्द को राहत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यह अस्थि सघनता बिसफॉस्फोनेट जो होता है दवाओं का एक समूह है जो अस्थि सघनता की है, यानी लॉस ऑफ बोन डेंसिटी को रोकता है तथा इसका उपयोग प्रायः ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में होता है। दर्दनाशक और रेडियोथेरेपी दवाओं के बावजूद
ये बने रहने वाले मेटास्टेटिक हड्डी दर्द के दर्द से निजात पाने की प्रायः ज्यादा प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दवा या रसायन का निम्नलिखित में से किसी किस दवा रसायन का यदि लंबी समय तक प्रयोग किया जाए तो इसका प्रभाव थरथराहट, सिर दर्द और हृदय गति रुक जाने के खतरे के रूप में सामने आता है। तो इसका सही आंसर है बीटा टू एगोनिस्ट। दोस्तों बीटा टू एगोनिस्ट अस्थमा रोगियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि अस्थमा रोगियों के लिए कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है, तो बीटा टू एगोनिस्ट। बीटा टू एगोनिस्ट को लंबी अवधि तक प्रयोग में लाने से शरीर में कपकपी, थकता, थरथराहट, सिर दर्द, हृदय गति आदि रुक जाने का खतरा होता है। ग्लूकोकार्टिकोइड्स जो होता है एक मादक पदार्थ जो लंबी अवधि तक प्रयोग करने से दुष्प्रभाव विभिन्न दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि कंडरा यानी कि जो हमारी कंडराएं होती हैं, जो टेंडन होती है कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां फटने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टखने के लिए स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है डॉर्सिफ्लेक्शन, जो हमारे पैर के पंजे होता है दोस्तों उसको ज्यादातर डॉर्सी बोलते हैं। तो टखने के लाभ के लिए ज्यादातर डॉर्सिफ्लेक्शन यानी कि पैर के पंजों को मोड़ना, टखने के स्वास्थ्य के लिए डॉर्सिफ्लेक्शन की प्रक्रिया लाभदायक होती है। इसमें निम्नलिखित किया है, जैसे कि टखने को अंदर की ओर खींचना, टखने को बाहर की ओर खींचना, पंजे पर ऊपर पंजे को ऊपर उठाना व पंजे को ऊपर की ओर खींचना आदि टखने के स्वास्थ्य लाभ या पुनर्वास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण व्यायाम है। यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटस के अनुसार किस्म के व्यक्ति आमतौर पर कमजोर, आलसी, अक्रिय, सुस्त और निस्तेज होते हैं तथा अपना काम काफी धीमी गति से करते हैं। तो एक कौन प्रकार के होते हैं हिप्पोक्रेटस के अनुसार? ऑप्शन नंबर एक, निरुत्साहित लोग ऐसा होते हैं। इन्होंने व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार विचारों व व्यवहारों पर आधारित गुणों को माना है। उन्होंने व्यक्तियों को चार समुदाय में निरुत्साहित यानी प्लेगमेटिक, प्रसन्नचित, गुस्सेल, विषादग्रस्त में बांटा है। यानी एक प्रकार से इन्होंने कफ प्रवृत्ति, काले पित्त, पीले पित्त, अधिक रुधिर वाले चार भागों में बांटा है। निरुत्साह किस्म के व्यक्ति ज्यादातर कमजोर, आलसी, अक्रिय, सुस्त व निस्तेज होते हैं, अपना काम धीमी गति से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मितीय त्वचा परत बाप में यानी स्किन फोल्ड कैलिपर में मानव शरीर के निम्नलिखित में से किन हिस्सों पर विचार किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है अंश फलकाद, अधिश्रोणी, उदर, जांग, बाह, यानी ट्राइसेप्स। तो दोस्तों इसमें सभी ऑप्शन नंबर डी सभी ऑप्शन सही है, यानी कि जब स्किन फोल्ड कैलिपर से वसा की माप किया जाता है तो हमारे बाजू, ट्राइसेप्स, सब स्केपुला या अंश फलक जो हमारा कंधा होता है, सुपर इलियक या अधिश्रोणी यानी कुल्हे के जोड़ के पास, उदर यानी एब्डोमिनल, पेट एंड जांग, थाई हिस्सों पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस वेवर टेस्ट का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? दोस्तों क्रॉस वेवर टेस्ट न्यूनतम पेशीय ताकत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्रॉस वेवर टेस्ट न्यूनतम पेशीय ताकत के माप के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत 6 मद आते हैं। इन परीक्षकों को व्यक्ति की कम से कम या न्यूनतम मांसपेशी ताकत या पुष्टि को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस वेवर टेस्ट मापता है क्या? मापता है तो न्यूनतम मांसपेशी शक्ति।
लिस्ट है कुंभक का संबंध है किससे है? प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, प्राणायाम। जैसा कि आप सबको पता है प्राणायाम से संबंध है। इसमें प्राणायाम के 3 घटक होते हैं, पूरक, कुंभक और रिचक। पूरक में सांस अंदर लेना, कुंभक में सांस रोके रखना, रेचक में श्वास बाहर निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुंभक 2 प्रकार का होता है, आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक। बाहर सांस को रोकने की, अंदर सांस को रोकने की प्रक्रिया आंतरिक कुंभक और बाहर सांस को रोकने की प्रक्रिया बाहरी कुंभक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिरम सुखम आसनम परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? यह आसन की परिभाषा है, ऑप्शन नंबर डी। आसन को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि स्थिरम सुखम आसनम, यानी इसका अर्थ है कि आसन वह है जिसको करने से मन एवं शरीर में स्थिरता आए और सुख का अनुभव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यानात्मक आसन है, कौन सा ध्यानात्मक आसन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, पद्मासन और वज्रासन। ये दोनों ध्यानात्मक आसन है, यानी ज्यादातर इसी मुद्रा में बैठ के लोग ध्यान करते हैं। वज्रासन अकेला ऐसा आसन है दोस्तों जिसके जिसे भोजन के बाद किया जाता है, भोजन करने के बाद किया जाता है, खासकर दोपहर के भोजन के बाद। नेक्स्ट है ऑक्सीजन श्वास लेना है क्या है? पूरक, कुंभक, रेचक क्या है? इसको कई बार बता चुकी हूँ। तो श्वास लेना अंदर उसको पूरक कहते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी ये अंतर्गत पूरक एवं रेचक क्रियाएं महत्वपूर्ण होती है। पूरक का अर्थ क्या होता है? श्वास लेना, और कुंभक का मतलब श्वास अंदर रोकना, और रेचक का मतलब श्वास छोड़ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए दोस्तों, जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके, जिससे आपके लिए मैं डेली बेसिस से वीडियो ला सकूं। एंड दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी उसको नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।